ऑलराइट गाइस, तो ये जो मदरबोर्ड है ये है कोई वीवो का फ़ोन, उसके फ़ोन का मदरबोर्ड है। इसमें आप देखेंगे दो बड़ी चिप्स लगी हैं। सबसे बड़ी वाली चिप जो है 2-in-1 चिप है। ये 2-in-1 यानी एक तो इसमें EMMC है जो आपकी स्टोरेज करती है, आपकी वीडियोज़ फ़ोटोज़ सब चीज़ें। दूसरी इसमें है रैम, ये दोनों चीज़ें इसी में हैं। EMMC यानी एम्बेडेड मल्टीमीडिया कार्ड, और DDR यानी डबल डाटा रेट की रैम, और ये करती है आपकी स्टोरेज और प्रोसेस करती है आपका सॉफ्टवेयर। जो भी आप सॉफ्टवेयर कंपनी प्रोवाइड करवाती है इसमें रन करता है। और अगर ये फॉल्टी हो जाती है तो आप इसको अपने डिवाइस को ऑन नहीं कर पाएंगे, उसमें आप सॉफ्टवेयर नहीं कर पाएंगे, उसको फ्लैश नहीं कर पाएंगे। कई बार डिस्कनेक्ट होने की वजह से ये हैंग ऑन लोगों की प्रॉब्लम आती है, तो उसमें आपको EMMC निकाल के रीबोल करना पड़ता है या रीप्रोग्राम करना पड़ता है। उसके बाद इसके बिल्कुल बगल में लगा है CPU यानी SoC। ये है आपका कंट्रोल यानी सिस्टम, इससे आपका पूरा फ़ोन कंट्रोल होता है, पूरा सिस्टम इसी पे बेस्ड होता है। और अगर ये फॉल्टी हो जाता है तो उस टाइम आपका फ़ोन फेल हो जाएगा, सिस्टम फेल हो जाएगा, टर्न ऑन भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं कर सकते आप। इसके बाद ये ऊपर स्क्वायर शेप में छोटा सा IC लगा है, ये है वाईफाई और ब्लूटूथ के लिए। अगर ये फॉल्टी होगा तो अपने पर्टिकुलर फंक्शन जैसे वाईफाई ब्लूटूथ वगैरह बंद कर देगा। अगर इसकी सप्लाई शॉर्ट हो गई, जिससे जहाँ से इसकी वोल्टेज है अगर वो शॉर्ट हो गई, तो आपका फ़ोन भी टर्न ऑन नहीं होगा। इसके बाद नीचे लगा है चार्जिंग IC, छोटा सा IC, पावर IC भी बोलते हैं प्राइमरी इसको। इससे प्रोड्यूस होती है आपकी सिस्टम वोल्टेज यानी VPH, VSYS भी लिखा हो सकता है, स्मैटिक्स में VPH भी लिखा हो सकता है। तो ये है आपका प्राइमरी चार्जिंग IC, पावर IC। ये आपका फ़ोन चार्ज करने में भी अपनी हेल्प करता है। और ये है DC-to-DC कन्वर्टर भी इसी को बोलते हैं। चार्जर से फ़ोन अपना डिस्प्ले आती है, सब वगैरह चलता है, तो इसलिए इसको DC-to-DC कन्वर्टर भी बोलते हैं। और ये अगर फॉल्टी हो जाएगा तो आप समझ सकते हैं आपकी चार्जिंग नहीं होगी उस टाइम, आप समझ सकते हैं। और अगर आपका फ़ोन ऑन भी नहीं हो रहा मान लीजिए, तो आप सबसे पहले इसी पे वर्क करके देखेंगे। उसके बाद जो मेन आपकी पावर का PMIC पावर IC लगा है वो होता है ये वाला। इसके अगल बगल में आप देखेंगे बहुत सारी कॉइल्स लगी होती हैं, और ये सिस्टम पूरे सिस्टम के लिए, पूरे फ़ोन के लिए वोल्ट्स बनाता है अलग अलग सेक्शंस के लिए। जैसे बक वोल्ट है जो AMMC के लिए कॉइल के थ्रू, बक कॉइल लगी होती है उसके थ्रू जाता है। दूसरी है मॉडम वोल्ट नेटवर्क के लिए, वी रेगुलर वोल्ट अदर सेक्शंस के लिए, और LDO वोल्ट्स भी। और इसके बाद ये जो सेक्शन है ये आप देख रहे हैं, ये है आपका नेटवर्क का सेक्शन। इसमें आप देखेंगे 3 IC लगी हैं। सबसे पहले यहाँ पे नेटवर्क वायर कनेक्ट होती है, जिस भी IC में वो वायर जाती है वो है आपका जो 2G पावर एम्पलीफायर, 2G नेटवर्क्स के लिए वर्क करता है ये। और इसमें प्रॉब्लम होने से आपकी नो सर्विस की प्रॉब्लम आएगी, और आपका डिवाइस भी ऑन नहीं होगा अगर इसकी सप्लाईज शॉर्ट हो गई हैं तो। IC में प्रॉब्लम हुई तो नेटवर्क्स नहीं आएंगे, सप्लाई शॉर्ट हुई तो आपका डिवाइस भी ऑन नहीं होगा, क्योंकि ये VPH VBAT वगैरह पे चलता है। तो इसके बाद नीचे आप देखेंगे रेक्टेंगल शेप में, शेप इसकी याद रखिए आप, इससे आपको पता चलेगा कि ये 3G और 4G पावर एम्पलीफायर है, जिसमें नो सर्विस और एमरजेंसी की प्रॉब्लम आएगी अगर ख़राब हो गया तो। और इसकी भी सप्लाईज अगर शॉर्ट हो गई तो आपका डिवाइस ऑन नहीं होगा, ये भी आपकी VBAT वगैरह पे चलता है। तो सिम इसमें ओके दिखाएगा आपको, पर नेटवर्क के इश्यूज रहेंगे। और उसके बाद मेन RF आपकी, अलग अलग फ़ोन्स में अलग अलग होती हैं, जैसे WTR और MediaTek के फ़ोन में MT61 नाम से उसके IC लगे होते हैं, कुछ ट्रांस रिसीवर लगे होते हैं Samsung में। जैसे इसकी प्रॉब्लम से आपको नो सर्विस एमरजेंसी की दिक्कत आएगी, लेकिन नेटवर्क सर्च भी नहीं करेगा, और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स इसके वजह से आपको देखने को मिलती है। उसके बाद छोटा सा IC लगा है, बैकलाइट ड्राइवर, और इसके साथ लगी है एक बूस्ट कॉइल। ये एक 6-pin का IC है, जिससे आपकी LCD LED में बैक लाइट्स रन करने के लिए लगाया गया है, बूस्ट वोल्टेज बनाने के लिए। स्विचिंग का ये काम करता है IC,
तो आप देख सकते हैं इसके साथ एक बूस्ट कॉइल। ये वाला जो आईसी है छोटा सा आप देख सकते हैं, ये वाला आईसी है आपके ग्राफिक्स के लिए और इसके साथ देखिए कॉइल लगी है। ये ग्राफिक्स की प्रॉब्लम जैसे ब्लू ब्लैक डिस्प्ले होती है कई बार, इसकी रीज़न यही होता है। आप इसको इस पर अपना वर्क कर सकते हैं। छोटे छोटे आईसीज लगे हैं नेटवर्क सेक्शन में आईसी जैसे। ये हैं एसपीडीटी स्विचेस और डुप्लेक्सर्स, ये आपके वर्क करते हैं जब आप फोन पे बात करें टीएक्स और आरएक्स यानी ट्रांसमिट और रिसीविंग को लिंक अप करने के लिए, सिंगल बैंड में सेंड करने के लिए। तो चलिए किसी और बोर्ड में देखते हैं। ये हमारे पास है एक मोटोरोला का बोर्ड जिसमें आप देखेंगे सिम टू सिम, जैसे ये देखिए ईएमएमसी और यहाँ पे होता है आपका सीपीयू बिल्कुल बगल में, और उसके ऊपर देखिए वाईफाई और ब्लूटूथ के लिए जो आईसी लगा था सिम टू सिम। नीचे देखिए एक आपका चार्जिंग आईसी लगा है, यहाँ पे एक कॉयल लगी है जिसकी वजह से इसका थोड़ा आइडेंटिफाई हो जाता है। ये आपका मेन पावर आईसी जिसके पास कितनी सारी बक कॉइल्स लगी हैं। ये आपका 3G और 4G का पावर एम्पलीफायर, इसकी शेप देखिए इससे पता लगता है। ये आपका 2G पावर एम्पलीफायर नेटवर्क के लिए, और ये आपका मेन RF आईसी नेटवर्क के लिए। और किसी और बोर्ड में देखते हैं आईसी के इस तरह से आप देखेंगे। ये अपने पास 5A का बोर्ड है, सबसे पहले से हम यूज़ करते हैं। ये आपकी EMMC और इसके बगल में देखिए CPU, और इसके नीचे आप ये देखिए कितनी सारी कॉइल्स लगी हैं इस आईसी के आसपास। तो आप समझ सकते हैं ये पावर आपका मेन पावर आईसी है। इसके बाद ये चार्जिंग आईसी यहाँ पे लगा हुआ था, एक कॉइल लगी हुई थी। ये देखिए ये फिर 3G 4G पावर एम्पलीफायर, और ये 2G पावर एम्पलीफायर, ये आपका कनेक्ट होता है नेटवर्क वायर से। और ये है आपका WTR, अगर ये प्रोसेसर मीडिया टेक होता तो MT6 लगा होता। ये आपका LED backlight driver 6 pins का।